सर हम सैलरी का नेगोशिएशन इंटरव्यू में कैसे कर सकते हैं? जो सैलरी हमें चाहिए उसके लिए हम एम्प्लॉयर या कंपनी को इंटरव्यू में कैसे कन्विंस कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में होता है जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखने के लिए मिलता है कि अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा नॉलेज होने के बावजूद कैंडिडेट बोलते हैं कि सर जो सैलरी हमें चाहिए वो कंपनी हमें ऑफर नहीं कर रही, तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? तो आज के सेशन में इसी को सिंपल भाषा में समझेंगे। तो इस टॉपिक को मैं सिंपल से एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप में से बहुत से लोग ने एप्पल के सेलफोन या एप्पल का प्रोडक्ट यूज किया होगा। एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं सेलफोन होते हैं काफी कॉस्टली आते हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? एप्पल की क्वालिटी की वजह से। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग हाई प्राइस भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो उस प्रोडक्ट का या उस सेलफोन को यूज करने का टोटली बदल जाता है। तो यहाँ पे जो कंपनी है जो एम्प्लॉयर है वो भी आपको हाई सैलरी दे सकती है, इंटरव्यू हाई सैलरी का ऑफर कर सकती है, बशर्ते आपको बेसिकली इंटरव्यू में उसको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि जब वो कंपनी आपको हायर करेगी एज एम्प्लॉई तो आप उस कंपनी के लिए क्या क्या जो फायदा पहुंचा सकते हैं। आप ये मत एक्सप्लेन करिए कि आपको क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि जो जो चीजें आपको आती है आप जैसे जो हजारों लोग उस इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे, सैकड़ों लोग इंटरव्यू के लिए होंगे, उन्हें सबको आता होगा, लेकिन उस स्किल का उस नॉलेज का यूज करके आप कंपनी को कितना फायदा पहुंचा सकते हो ये चीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो डेफिनेटली जो कंपनी है वो आपको बेटर सैलरी देने के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में देखने के लिए मिलता है कि जो कैंडिडेट होता है उन्हें क्या आता है वो चीज तो वो इंटरव्यू में बता देते हैं, लेकिन वो जो उन्हें वो चीज आती है जो स्किल है जो टैलेंट है जो नॉलेज उन्हें है उससे कंपनी के कॉस्ट पे क्या फायदा होगा, कंपनी का कैसे कॉस्ट इंक्रीज होगा, कंपनी के क्या रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा, कंपनी का कंप्लायंस कैसे इजी हो जाएगा, कंपनी को अल्टीमेटली क्या फायदा होगा, वो चीज वो कन्विंस नहीं कर पाते। तो अगर आप कंपनी को फायदा कन्विंस कर पाओगे तो कंपनी आपको सैलरी भी बेसिकली डेफिनेटली बेटर देगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।